साथियों, तो आज नोटबंदी की मार से पीछा नहीं छूटा तो जीएसटी की मार हम पे डाल दी गई। अब जीएसटी की मार से पीछा नहीं छूटा तो ईश्वर जाने कौन सी खिचड़ी पक रही है अमित शाह जी में और मोदी जी में, क्योंकि नारा बेशक लगा था सबका साथ सबका विकास, आखिरी पायदान पे खड़े हुए आदमी व्यक्ति की भी ये भाजपा पार्टी है, लेकिन ये नारा भी आज उन्होंने बिल्कुल झूठा साबित कर दिया, क्योंकि आज जो भी डिसीजन जो भी फैसले लिए जाते हैं वो भारतीय जनता से नहीं, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से लेते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या अमित शाह की जी की मेहनत से आज आप केंद्र सरकार में बैठे हो? नहीं मोदी जी, आज आप अगर इतनी बड़ी गद्दी पर बैठे हो तो भारतीय जनता के एहसानों के कर्मों के द्वारा आप इतनी बड़ी गद्दी पर बैठे हो। तो आज आप अगर कोई भी फैसला बंद कमरे में अमित शाह जी के साथ में लेते हो तो आप जनता के दिए गए वोटों का अधिकार का अपमान करते हो, उनके दिए गए जिम्मेदारी का अपमान करते हो, क्योंकि उन्होंने आपको सर्व समाज के लिए काम करने के लिए इस सम्मानित कुर्सी पर बिठाया है, और आज आप उस सम्मानित कुर्सी पर बैठकर नारा तो लगवाते हो क्या सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सबका साथ सबका विकास ये है कि जेएनयू का छात्र नजीब पिछले तकरीबन एक साल से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का छात्र तकरीबन पिछले एक साल से ऐसे गायब हो जाता है जैसे मानो नजीब नाम का कोई लड़का, जैसे मानो नजीब की माँ ने कोई नजीब नाम का लाल, भारत का शेर, भारत का बेटा जना ही ना हो, ऐसे गायब हो जाता है। क्या ये आपका सबका साथ सबका विकास है? शर्म आती है मुझे आपके इस जुमले को सुनता हूँ, और नजीब की माँ के धोते हुए बिलकते हुए तड़पते हुए आंसुओं को देखता हूँ और आपके इस जुमले को सुनता हूँ तो मुझे शर्म आती है। और दूसरा जुमला कि सबके खाते में 15 लाख आएंगे, सबके खाते में 15 लाख आएंगे। बताइए भारतीय जनता ने उस आपके अल्फाज को गीता की वाणी मानकर, आपके अल्फाज को बिल्कुल सच मानकर आपको वोट देने का काम किया कि गरीब के खाते खुलवाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब गरीब के खातों में 15 लाख भी आएंगे। लेकिन माननीय अमित शाह जी ने 125 करोड़ जनता का दिल, उम्मीद, आस, भावनाओं को सबको चकनाचूर कर दिया। क्या कहकर कि वो 15 लाख रुपए देने का तो सिर्फ एक जुमला था। क्या था? जुमला। अरे अमित शाह जी, आपने तो कह दिया जुमला था, लेकिन उन देश की जनता से पूछो, उस भारतीय जनता से पूछो जिन्होंने आपने आपको, अपनी आल औलाद को, अपने परिवार के फ्यूचर को आपके गद्दी पे आने पर बदलते हुए देखा था, सुनहरी भारत का सपना देखा था, अच्छे भारत का सपना देखा था, सबका साथ सबके विकास का सपना देखा था, अच्छे दिन आएंगे इसका भी सपना देखा था, और आप कहते हैं वो तो एक जुमला था। बहुत बढ़िया। तो आज नैलो पर नेशनल लोकमत पार्टी के माध्यम से जुमला नहीं, हकीकत, गीता की वाणी की मानिंद एक सत्य अल्फाज आप तक भी मैं पहुंचा देना चाहता हूं। वो अल्फाज, वो शब्द मेरे ये है, अगर ये सबका साथ सबका विकास हकीकत में जमीन पे नहीं उतरा, अगर ये सबका साथ सबका विकास हकीकत सच्चाई में जमीन पर नहीं उतरा, सिर्फ जुमले और अल्फाजों में रहा, तो याद रखना नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, एक दिन ऐसा आएगा कि नरेंद्र मोदी जी आपका कोई नाम लेवा भी नहीं होगा, अमित शाह जी आपका कोई नाम लेवा भी नहीं होगा। अरे आप तो आप हो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारत की सच्ची पार्टी बताकर गरीब किसान मजदूरों का वोट हासिल किया था, एक दिन वही जनता आपको फिर 500 साल पीछे भेज देगी जो जनता आज आपको केंद्र में लेकर आई है, अगर ये सबका साथ सबका विकास हकीकत में जमीन पर नजर नहीं आया तो। तो मैं कह देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और नरेंद्र मोदी जी से भी और यूपी के सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी से भी,
जैसे आप बात करते हो कि आखिरी पायदान पे खड़े हुए इंसान की भी भारतीय जनता पार्टी सुनती है, तो बड़ा मेहरबानी एहसान होगा 125 करोड़ जनता पे आपका कि आप इस बात को अमल में लेके आए। आखिरी पायदान पे खड़े हुए नहीं, अरे नरेंद्र मोदी जी, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर जब आप जीत का जश्न बनाने के लिए तैयार थे, जब आप जीत का जश्न बनाने के लिए आपकी पार्टी के सब पदाधिकारी एक मंच पर जमा थे, तो वहां पर हमारे केशव प्रसाद मौर्या जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दलित समाज से पाए जाते हैं, वो आपकी भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी में एक ब्राह्मण समाज के एक किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो उस खुशी को ऐसे अभिवादन के तौर पे हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनका हाथ झटक दिया जाता है। सिर्फ इसलिए झटक दिया जाता है क्योंकि वो एक दलित समाज से हैं। और आप बात करते हो सीढ़ी के आखिरी पायदान पे खड़े हुए इंसान की को भी सम्मान देने की, आप झूठ बोलते हो। अगर आपकी बातों में सच्चाई होती तो केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके हाथ को जातिवाद की बुनियाद पर ऐसे ना झटका जाता, ऐसे ना छुड़ाया जाता, ऐसे ना झटका जाता। तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की कहनी में और कथनी में जमीन नहीं पाताल और आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का नहीं, पाताल और आसमान का फर्क है। लेकिन नेशनल लोकमत पार्टी वाहिद हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो मुस्लिम बेशक है, लेकिन उसकी सोच, उसकी कली, उसकी कथनी में आप इंशाल्लाह जरा भी फर्क नहीं पाएंगे, क्योंकि नेलोपा का ये कहना है कि आखिरी पायदान पे खड़े हुए आदमी को भी मान सम्मान तो बहुत दूर की बात है, जो उस पायदान की लाइन में जमीन पे भी पड़ा है उसका भी पहले सम्मान करेगी नेलोपा पार्टी इंशाल्लाह। क्योंकि नेलोपा ये मानती है कि इज्जत का हकदार दुनिया का हर आदमी है। 125 करोड़ का आखिरी इंसान भी, 125 करोड़ की लाइन का आखिरी इंसान भी इज्जत का हकदार है, सम्मान का पात्र है। वो बात की बात है कि वो कौन है, पहले वो मानव है, पहले वो इंसान है, पहले वो हिंदुस्तानी है, पहले वो भारतवासी है, बाद में है जो भी कुछ है। तो मैं भारत की जनता से, जो जो मेरी आवाज को सुन रहा है और जहां जहां तक भी फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, किसी भी मीडिया बंधु के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, आज मैं ये दावत देने आया हूं उन सभी समाज के लोगों को, ए हिंदुस्तान के 125 करोड़ साथियों, अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो हिंदुस्तान के भाईचारे को भी बचाना होगा, अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो हिंदुस्तान की मानवता को भी बचाना होगा, अगर हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क बनाना है तो भारत की हर माँ को, दलित की माँ को भी, ईसाई की माँ को भी और अति पिछड़े की माँ को भी अपनी माँ समझना होगा, अपनी माँ समझना होगा, अपनी माँ समझना होगा। क्योंकि अगर हम दलित की माँ को माँ नहीं समझते हैं तो हम झूठे हैं जब ये कहते हैं कि भारत माता की जय। अगर हम किसी पिछड़े की माँ को अपनी माँ और किसी पिछड़े की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं, नहीं समझते हैं, तो हम झूठे हैं जब हम ये नारा लगाते हैं कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अगर हम किसी दलित की माँ को भी अपनी माँ समझते हैं, अगर किसी दलित पिछड़े, अति पिछड़े की बहन बेटी की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं, तो हम बिना नारा लगाए भी सच्चे हिंदुस्तानी है। हम कह सकते हैं हमारा भारत, हमारा भारत, क्योंकि हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर के कानून, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान ने यहाँ के रहने बसने वाले हर इंसान को ये आजादी दी है कि वो अपने धर्म के हिसाब से अपनी वेशभूषा को भी पहने, अपने धर्म के हिसाब से अपनी पूजा को भी करे, अपने धर्म के हिसाब से अपने सभी कार्यों को अंजाम दे, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं, भारत के पक्ष में। तो यही संविधान हमें इजाजत देता है कि हम इस भारत के जीते जी नहीं, मरने के बाद भी पूत रहेंगे इंशाल्लाह,
और हमारी ईश्वर से यही उम्मीद और आशा है कि हमें इस भारत के लिए ज्यादा से ज्यादा काम और भारत के लिए ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी और भारत के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त और अच्छी सोच प्रदान करे, हमें अच्छे काम करने के लिए ईश्वर हमें इस देश के लिए कबूल करे, ताकि हम भी एपीजे अब्दुल कलाम की तरह नक्शे कदम पर चलते हुए, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इस देश को और परमाणु ताकत देने का काम करें, इस देश को और मजबूत बनाने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री मुजीबुर रहमान साहब, जो